हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ चने की दाल की नमकीन, क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी बनती है। और हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर मैंने दाल ले ली थी तो ये 500 ग्राम लगभग मैंने दाल ली थी, और इसको 4 घंटे के लिए सोख करके भिगो के मैंने इसको रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसको निकाल के और 1 घंटे के लिए सूती कपड़े पर फैला कर छोड़ दिया था, ताकि इसका जितना भी पानी एक्स्ट्रा है, मॉइस्चराइज़र है, सभी ये सूख जाए। तो जब हम लोग दाल तलते हैं तो इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए किसी तरह से पानी, तो दाल हमारी अच्छे से फ्राई होती है और काफ़ी मतलब टेस्टी भी बनती है और क्रिस्पी भी रहती है। तो इस तरह से मैंने देखिए कपड़े पर इसको फैला के छोड़ दिया था। तो जब दाल सूख जाएगी ना तो अलग अलग एक एक दाल हो जाएगी, इस तरह से मैंने इसको पोंछ दिया था। तो ये अच्छे से दाल हमारी तैयार हुई है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल मॉइस्चर नहीं इसमें दिख रहा है, पानी यानी बिल्कुल एक एक करके दाल हमारी अलग अलग हो रही है, कोई भी इसमें चिपकन जैसे चिपकती है दाल, उस तरह से कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया, तो रिफाइंड ऑयल डाला है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल लगता है इसमें फ्राई करने में, और इसको गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड, इधर तेल गर्म हो गया था, तो चलिए अब दाल हम डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी दाल डाल के हमको ये फ्राई करनी है। तो जब हम लोग थोड़ी थोड़ी दाल डालेंगे तो जल्दी से फ्राई हो जाती है, और बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो बहुत टाइम लेती है। और जब ये फ्राई हो जाती है ना तो ये आवाज़ आने लगती है इसमें से। तो देखिए फ्रेंड, लगभग ये फ्राई हो गई है, तो थोड़ा सा और इसको हम कर लेते हैं और फ्राई हो जाएगी तो ये ऊपर आने लगती है। तो जब ऊपर तेल में तैरने लगती तो लगभग समझ लीजिए फ्राई हो गई। तो आप देख सकते हो तेल में ऊपर तैर के ये आ गई है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गई है। तो थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करनी, अगर बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो ये टाइट हो जाती है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है फ्राई करने में, लगभग 10 मिनट तो 10 से 12 मिनट लगभग लग जाएंगे पहला बैच फ्राई करने में। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये अच्छे से फ्राई हो गई है और इसमें से आवाज़ भी आने लगी है। तो देखिए फ्रेंड, इधर मैंने निकाल लिए ये, और आप चाहें तो डायरेक्ट ये छन्नी है इसको भी रख के फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने निकाल के तैयार कर ली, और दूसरा बैच भी हम इसी तरह से इसको फ्राई करेंगे। तो पहला बैच फ्राई करने में थोड़ा सा हमको समय लगता है, और दूसरा बैच फ्राई करें तो थोड़ा सा उससे मतलब जल्दी हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये भी लगभग हमारा फ्राई हो गया है। तो इधर मैंने इसको भी निकाल लिया है, तो अब आवाज़ सुन सकते हैं, एकदम क्रिस्पी बनी है, तो काफ़ी आवाज़ आती है जब ये फ्राई हो जाती है। तो चलिए इधर मैंने इसको भी निकाल लिया है, और इधर मैंने पेपर पे इसको रख दिया था, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है तो सब पेपर सोख जाए, और पेपर में सभी ऑयल तो ये हमारी अलग खिली खिली हो जाएगी। तो चलिए अब इसको देखिए हम इसमें मसाला मिलाएंगे। सबसे पहले लेते हैं काला नमक, और उसके बाद डाल देते हैं एक पिंच हींग, और ले लेते हैं डेली रेगुलर वाला नमक, और ये मैंने लिया जीरा पाउडर भुना हुआ, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ले लेते हैं। उसके बाद जाता है इसमें चाट मसाला, और अब जाएगा इसमें अमचूर पाउडर, और इसको हम कर देते हैं मिक्स। और इसके अलावा आपको कोई भी मसाला अगर पसंद है आप इसमें मिला सकते हैं, और जितना भी मसाला आप मिला लेंगे उतनी ही दाल की नमकीन ये जो है ना बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने मसाला मिला के इसको तैयार कर लिया है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत इजीली बन करके तैयार भी हो जाती है। तो फ्रेंड, इधर नमकीन हमारी बन करके तैयार हो गई है, तो आप चाय के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड, जो भी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कमेंट ज़रूर करें।